तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आपका स्वागत है फिर एक बार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मोनो गेमर्स। और आपको याद होगा करके मैंने इतने दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड किए हैं, क्योंकि मुझे इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता था। पर अभी जाके मुझे कुछ टाइम मिला है, जिसके अंदर मैं माइनक्राफ्ट की सीरीज़ को अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। और मुझे पता था अभी मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं बहुत कुछ ऑफलाइन ट्राई किया, फिर जाके मुझे एक टॉपिक मिला और उसके ऊपर अभी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। आप लोग को याद होगा मैंने पिछले एपिसोड में घर बनाया था अपने, पर अभी घर के साथ साथ और बहुत कुछ बना लिया है। तो ये अपना घर है और यहाँ पर आप लोग देखो यार, ये रास्ता जा रहा है किधर, तो आपको मैं बताऊँगा किधर जा रहा है। पर घर के अंदर घुसते ही आपको बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिल गई रहेगी, जैसे कि ये चेस्ट। और यहाँ पर और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, नए नए चेस्ट आए हैं। ये है मेरा सामान रख, मतलब टूल्स चेस्ट, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक आयरन पिकैक्स और एक आयरन स्वॉर्ड है। ये है मेरा मल्टीपल चेस्ट। और ये वाला देखो नेम टैग, और ये सैडल, और बहुत थोड़ा सा सामान मुझे यहाँ पर मिला था स्पॉनर में मुझे मिला था। मेरे पास वो वीडियो भी है, आपको एंड में दिखाऊंगा अगर चाहते हो तो। इसके अंदर है कोबलस्टोन। अब आप लोग पूछोगे तेरे पास इतना सारा कोबलस्टोन कहाँ पर से आया, तो ये भी आपको बताता हूँ कहाँ पर से आया। और ये यहाँ पर है वुड, तो वुड भी मैंने बहुत सारा वुड तोड़ा है बैठे बैठे। यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो ये है रैंडम सामान वापस से। और ये है मेरा जो और कलेक्शन है, इसके अंदर आप देखो मेरे पास 264 स्टैक का आयरन है, मतलब मेरे पास बहुत सारा आयरन पड़ा है, देख लो यार बहुत कुछ है मेरे पास। ठीक है, तो अभी आपको दिखाने की बारी है मैंने क्या क्या किया है हमारे वर्ल्ड गेम में। चलो जाते हैं, इस वाले रास्ते से जाएंगे अभी। ठीक है, और ये देखो भाई साहब सामने की तरफ, ये आप लोग माउंटेन देख रहे हो क्या, ये एक नॉर्मल माउंटेन था। इसको मैंने अंदर से खोखला कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे बहुत कुछ खोखला कर दिया हूँ। अभी लग तो पूरा तरह से नहीं हुआ है, पर बहुत सारा जो है वो अभी लग खोखला कर दिया हूँ मैंने। आपको दिखा था वो अंदर से मैं, आप लोग देखो। ठीक है, तो ये वाला देखो आप लोग, ये बहुत बड़ी जगह है। और इसके अंदर अभी फ़िलहाल तो कुछ 3 फ्लोर्स है, ये तो ग्राउंड फ्लोर है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग देखो ये ग्राउंड फ्लोर है। ऊपर जाने का रास्ता इधर से है, तो इधर से हम लोग अभी ऊपर जाओगे तो ये होगा फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर आप लोग देखो, ये भी बहुत बड़ी जगह है, सेम जगह वैसे भी नीचे और ऊपर भी। और ये ऊपर जाएंगे हम लोग, यहाँ पर तीसरा सेकेंड फ्लोर है, ये वाला भी सेम जगह में फैला है, मतलब उतना ही बड़ा। और यहाँ पर चौथा, ये तीसरा फ्लोर है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो तीसरा फ्लोर है, ये वाला भी बहुत बड़ी जगह में फैला है। पर यहाँ पर आप लोग देखोगे ना तो छोटे छोटे रूम्स भी बनाए हैं मैंने, ताकि मेरे को पूरी तरह से इसको खोखला करना है अंदर से। और ये है हमारा सबसे बेस्ट जगह, एक्स्ट्रा पार्ट है ये, तो यहाँ पर से भी हम लोग नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर भी सीढ़ीज लगा के रखे मैंने, देखो यहाँ पर से भी नीचे जा सकते। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर अभी तक एक्स्ट्रा रूम्स नहीं बनाए मैंने, देखूँगा अगर बनाने को मिला तो मैं बनाऊँगा जगह वहाँ पर। पर हर फ्लोर पे आपको एक्स्ट्रा रूम्स देखने को मिलेंगे, जो कि उस माउंटेन के शेप के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, जैसे कि ये वाला रूम है। और यहाँ पर है बैक एग्ज़िट सेकेंड फ्लोर पर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर है बैक एग्ज़िट। लोग बोलोगे यार तूने इतना सब कुछ बनाया क्रिएटिव में जाके बनाया रहेगा, पर नहीं, मैंने सब कुछ सर्वाइवल में ही किया है। मैंने इसके लिए बहुत सारे कॉबल स्टोन इकट्ठा किए हैं, बहुत सारा जो है स्टोन टूल्स बना बना के तोड़ा है मैंने, इसी में इन्वेस्ट किया है मैंने बहुत टाइम अपना। तो मैं करीब करीब एक हफ्ते से इसी वर्ल्ड के ऊपर काम कर रहा था, और अभी जाके ये पूरा हो गया, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पीछे तो फैंटम्स भी पड़े हैं, देखो वहाँ पर एक जॉब की आया है, पर हम लोग सो जाएंगे। ओह नो यार, ठीक है तो हम लोग को अंदर बुलाएंगे अभी। मेरे पास आयरन की तलवार है, ओ वो मेरा घर तोड़ेगा, चलो तुम लोग दरवाजे तोड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे को इसका लेदर का आर्मर चाहिए, देखते देता है क्या।
सिर्फ जूते दिए इसने, मतलब इतना गरीब है ये। ठीक है अभी सो के देखते हैं। अभी भी नहीं सो सकते, मुझे लग रहा है वो जॉकी के कारण, जॉकी कहाँ पर गया, जॉकी आया। ठीक है आने दो आने दो आने। ठीक है इसको अंदर लेंगे अभी हम लोग। आ जा जॉकी अंदर आ जा। ओ नो यार, कितने सारे ज़ोंबीज़ है, जॉकी भी अंदर नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। अरे जॉकी घोड़ा घोड़ा खेल के हो गया, रहेगा तो आ जा अंदर। ओ मैं मर जाऊँगा। ठीक है बच गया बच गया, ये सब दे दो और घुसो अंदर, सो जाओ अभी, अभी तो सोने दे। अरे भाई साहब अभी क्या हो रहा है, रुको मैं कुछ खा लेता हूँ। तो ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने उसको मार डाला। ओ ये गया हो क्या, रुको मैं आता हूँ वापस से चालू करता हूँ। रुको ये पता नहीं कैसे हो गया मेरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये जल्दी से चालू हो जाएगा बस। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर हमारे वर्ल्ड के अंदर फिर से एक बार। और तो मैंने उसको मार डाला, वो आया था घर पे सुबह, ऑटोमेटिकली हो गई, मैं सोया तक नहीं रात को, और वो आया तो था और फिर उसने मेरा दरवाज़ा तक तोड़ दिया। फिर मैं घर पे घुस के वो मुझे मार रहा था, फिर मैंने उसको मार डाला। और ठीक है तो अभी आपको मैं वापस अपना रूम टूर देने वाला हूँ, थोड़ा सा बचा पुचा रूम टूर। ऐसे तो आपको दिखाने का है मेरे को करके यहाँ पर हम लोग फार्मिंग कहाँ पर करेंगे, मतलब इस नीचे एकदम, या सेकेंड फ्लोर पे, या फिर थर्ड फ्लोर पे, या फिर फोर्थ फ्लोर पे। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं वही सोच रहा था कि कहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा घर है अभी ये, और भी बड़ा होने वाला है क्योंकि उस साइड भी बहुत सारी जगह है। मैं ऑफलाइन माइनिंग करते रहूँगा इस माउंटेन की, तो मैं सोच रहा करके इसी फ्लोर पे हम लोग जो है यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं उसको, ये करेंगे फार्मिंग करेंगे। इसके लिए मुझे ये जो है टॉर्चेस को निकाल निकाल कर हाइट पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बीच बीच में आते रहेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, ठीक है तो मैं फटाफट ये सब टॉर्चेस को निकाल लेता हूँ और हम लोग उसको हाइट पर लगाएंगे, ताकि नीचे हम लोग जो हम लोग को एक रास्ता फ्री मिल जाए। केक को इधर लगाएंगे और एक बचा जो कि लगेगा इधर केक। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा तो रास्ता मिल चुका है, और अभी हम लोग लेके आएंगे हमारा सामान जो कि, अरे क्या हो रहा है इसको। ठीक है जाते हैं नीचे यहाँ पर से और सब सामान लेकर आते हैं जो जो हम लोग को लगने वाला है। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं घर पे, यहाँ पर हम लोग को लग इसको डाल देते हैं अंदर। ठीक है इसको डाल दो, ये सब नीचे अभी के लिए। हम लोग को थोड़ा सा कॉबल स्टोन लगेगा, तो कॉबल स्टोन मैंने लिया है, और हम लोग को लगने वाला है के कॉबल स्टोन और लेंगे हम लोग, शायद लेके चलते हैं चार स्टैक। यहाँ पर से हम लोग थोड़ा सा ये लेंगे ये लेंगे, और अपने इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं वो बना लेते हैं थोड़ा सा और लकड़ी। ठीक है दो हु बना लिया मैंने, पिकैक्स तो है मेरे पास। ठीक है अपने पिकैक्स भी ले लिए, और अभी हम लोग को लगने वाला है और चीज़ें जो कि है, इन सबको मैं अंदर डाल दूँगा डबल डबल चीज़ों को। ठीक है और अभी हम लोग को थोड़े से बाल्टी भी लगेंगे, तो मेरी बाल्टियाँ कहाँ पर गई, मेरे पास बाल्टी थी यार, दो दो थी, कहाँ पर चली गई। ओ मेरी बाल्टी, मुझे पता नहीं कहाँ पर चली गई मेरी बाल्टियाँ, मेरे पास दो दो बाल्टी थी। छोड़ दो अभी कुछ नहीं होता, फिर हम लोग वापस से और आयरन से बना लेंगे। ये मेरे फ़ोन को थोड़े से झटके लग रहे हैं पता नहीं क्यों। ठीक है तो सॉरी फॉर दैट, मैं को निकाल लूँगा बाहर।
और इसमें से थोड़ा सा निकाल कर यहाँ पर एक कॉल, नहीं एक और दे देते इसको, और फिर यहाँ पर 15। ओ भाई कितना लेगा। ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों में फटाफट होता रहेगा। मुझे लग रहा है कि मैं इसको और भी बांट सकता हूँ, 8-8 में डिवाइड करते, चलो सभी को 8-8 दूंगा मैं और बचा खुचा बाकी लोगों को। ठीक है इन लोग को मिलेगा एक, तेरे से एक को लेंगे, इसको देंगे क्योंकि हम लोगों को कॉल की बचत करनी है। इसके लिए वो मेरे पास कुक चिकन भी था, उसको एक कॉल दे देते दे, बस बस हो गया, ज़्यादा कॉल नहीं वेस्ट करने का। ठीक है ये चिकन को डाल दो अंदर, और अभी आयरन बाहर निकला होगा, एक और सिर्फ चाहिए, 2 बाल्टी बन जाएंगे। ठीक है तो 2 बाल्टी फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पर से कहाँ पर गई बाल्टियाँ? ठीक है तो ये 2 बाल्टी हम लोग की तैयार है, बाकी का आयरन अंदर डाल देंगे। ओके डन, बाल्टी चाहिए थी, ये सब हो गया अभी। ओ डॉट तो चाहिए, ठीक है तो मेरे पास बहुत सारा डॉट है। ठीक है और भी डर था, मैंने सब फेंक दिया। ठीक है चलो जाते हैं, अभी बाल्टी में पानी तो भरना पड़ेगा, वहाँ पर पानी है शायद, हाँ है तो वहाँ पर जाते हैं सबसे पहले। ओके इधर से ही भर लेता हूँ मैं। ठीक है तो अभी अनलिमिटेड वाटर सोर्स हम लोग घर के अंदर ही बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है पानी का, 24 घंटा पानी लेके आएंगे घर के अंदर। इधर से जाने का सेकेंड फ्लोर पे, यहाँ पर बनने वाला है हम लोग का फार्म। वो क्या हो गया इसको? ठीक है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक बॉर्डर बनाने वाला हूँ टाइप का, नहीं मुझे लग रहा है इधर नहीं इतना ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा हमारे फार्म को, इसलिए हम लोग इधर से तोड़ देते हैं। एक आइडिया ये क्यों ना हम लोग हमारे फार्म को इस एरिया में बनाएं। ओ ये क्या हो रहा है यार, फिर से एक बार झटके लग रहे इसको, तो झटके के ऊपर ध्यान मत देना, थोड़ी देर के लिए लगते रहते हैं। ठीक है कि यहीं पर हम लोग हमारा फार्म बनाएंगे। ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ मुझे ही नहीं पता चल रहा है। ठीक है तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ऑड लगने वाला तो है, फिर क्या करें, अभी हम लोग को करना तो पड़ेगा। इसको इधर इधर लगा दूंगा और यहाँ पर ही अपने फार्म्स को बनाएंगे हम लोग, बहुत बड़ा फार्म बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर से स्टार्ट होएगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना ये बनाता हूँ फटाफट से, और फिर हम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी स्टार्ट कर पाएंगे। पर अभी तो टाइम अप हो चुका है क्योंकि पहले से ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, इसीलिए मैं इसको ऑफलाइन में करूँगा पूरा कंप्लीट, और फिर आपको मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। फिर आप मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है ये आइडिया, और अगर आपको कोई सजेशंस देना है तो आप मुझे देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, मैं शायद से इस ज़मीन के अंदर इसको डाल दूँ ताकि हम लोग को जो है एक टाइप का एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा, पर बाद में हम लोग को जो है पानी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं देखता हूँ उसके ऊपर कोई सलूशन मिलता है क्या, और मैं आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।